नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जानेंगे हम यूएन नंबर कैसे ऑनलाइन तरीके से अपना ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो आप कैसे उसको ढूंढ सकते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, यूएन टाइप करना है। यूएन टाइप करने के बाद एक फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगा, उसको क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिए थोड़ा, तो आपको नो यूर यूएन ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका एक्टिव नंबर है अभी फिलहाल आपके पास है वो आप वहाँ पे दर्ज कर दीजिए। उसके बाद में कैप्चा और रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए, तो एक ओटीपी आपको जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो वो ओटीपी वहाँ पे डाल दीजिए जहाँ पे आपको ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, उसके सामने ओटीपी डाल दीजिए और उसके बाद में कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा दर्ज करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन वहाँ पे शो करेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो थोड़ा टाइम लेगा, देन उसके बाद में यहाँ पे जो है एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। कुछ दिक्कत आती है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए या तो फिर से ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे पोर्टल में कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है नंबर और देखिए यहाँ पे एक अलर्ट आ गया है, ठीक है, तो उसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद ये कैप्चा मैं सिंपली फिर से एक बार दर्ज करूँगा और वैलिडेट करूँगा, तो ओटीपी सक्सेसफुल हो गया है। देन आपको यहाँ पे जो है नेम आपका जैसे आधार कार्ड पे है वैसे आपका नाम, नीचे डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे आधार कार्ड नंबर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद में आपको एक कैप्चा भी यहाँ पे शो कर रहा है, वो भी आपको वहाँ पे कैप्चा फील्ड में दर्ज करना होगा। देन ये सारी डिटेल्स भर के आप शो माय यूएन का एक ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, तो आपको आपका यूएन नंबर जो है वो आपको शो करेगा। आपका अगर आधार कार्ड यूएन से लिंक है तो आपको आपका यूएन शो करेगा, अदरवाइज आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है यूएन से तो आपको आपका यूएन नहीं दिखेगा। तो यही सिंपल प्रोसेस है आपको अगर आपका यूएन नंबर ढूंढना है तो। ठीक है, थैंक यू।